आज हम आपको एक ऐसे सिद्ध संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो माँ नर्मदा जी के तट पर 45 साल से तपस्या कर रहे हैं। जल तपस्या, अग्नि तपस्या, दोनों तपस्या बाबा जी ने करी है। और बाबा जी एक सिद्ध संत हैं, बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं। बाबा जी के पास जो भी भक्तगण आते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं, अपने दुख दर्द लेके आते हैं, बाबा जी उनको दूर करते हैं। बाबा जी के धुने के पास सिर्फ खड़े होने से भक्तगण की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और बाबा जी जो भभूति देते हैं उससे कई प्रकार के रोग दोग और कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा जी को काली कमली वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जी माँ नर्मदा जी के परम भक्त हैं, और बाबा जी एक महान तपस्वी हैं। पूरा जीवन बाबा जी ने तपस्या में निकाल दिया है। उनके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, काफ़ी चमत्कारिक संत हैं। नर्मदे हर जय हो काली कमली वाले बाबा जी की जय हो, नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं, और माँ नर्मदा जी के तट पर जब भी हम आते हैं तो माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध संतों, त्यागी तपस्वियों, महात्माओं और ऋषि मुनियों के भी दर्शन हो जाएं। और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं। माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें संतों महात्माओं के भी दर्शन हो जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संतों महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगण जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं उनको भी दर्शन हो रहे हैं। आज हम ऐसे ही संत के पास आए हैं जो बाबरी घाट पर विराजमान हैं, काली कमली वाले गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी सिद्ध संत हैं। आज हम उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबरी घाट मध्य प्रदेश के जिला सीहोर, तहसील रेहटी, और ये बाबरी घाट उत्तर तट पर हैं। बाबा जी का धुना है, ये बाबा जी का धुना है। नर्मदे हर, ये बाबा जी का धुना। यहाँ पर बाबा हम चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बाबा जी विराजमान हैं। बाबा जी नर्मदे हर, बाबा जी हर हर महादेव। बाबा जी, बाबा जी हैं, काली कमले वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है बाबा जी को। और यहाँ पर लगभग 45 साल से बाबा जी विराजमान हैं, और ये बाबा जी की जटाएं हैं, 20 फीट लंबी जटाएं हैं बाबा जी की। ये अद्भुत ही है। ये अपने रूम हाईलाइट कर लो, सबको कर लो, ये पंच परमेश्वर, ये मिल गए भगत जी, मैं सामने आ जाऊंगा, सब दूर से घूम जाओ, उनका अपने हिसाब से फेसबुक पे अपना कर लेंगे, उसकी करें हमको सामने से ले लें। साधु शिव का रूप है, साधु का ब्रह्म स्वरूप, सब साधु को समझे नहीं माया बढ़िया तो क्या करे। अरे राम जाता तो त्रिलोक तीनों के तीनों देवता नहीं गा पाए साधु संत, लेकिन तुम बात हो मौत यदि संत कर लेगा भगवान ही कर। चलता फिरता पेड़ का देखो पूरा ढूंढ, सूखा है ऊपर हरा है आधा, ये भी अपने आप में चाहे भीतर से स्रोत हो कहीं भी, पर अजूबा तो है। मौका मिलता है तो किसी को कोशिश करे तो नहीं मिलेगा। नहीं है ये तो हम लोगों के सौभाग्य है कि गुरु जी की गुरु जी की जटाएं हमें खुली मिल गई है। असंभव बात है, असंभव असंभव बात, ये दुर्लभ बात है, ये दुर्लभ है। ये नवट ने सब मौलिक है मामला, चमत्कार लोग तो सोचेंगे कि बना के किसी ने डाली कुछ करी फिर डाला देखा। बाबा जी नर्मदे हर, बाबा जी आप यहाँ पे जो तपस्या कर रहे हैं बाबा जी कितने सालों से कर रहे हैं?
यहाँ बस वो जब से ये ऐसे चल रहा है जैसे बैठे ना जी जी, यही रूप चला रहा है। हाँ यही रूप से आए बैठे जी जी जी। हाँ यहाँ बदला कुछ नहीं है, भूमि का आकार बदला है, बाकी शरीर का आकार नहीं बदला, शरीर यही है पहले वाले। मेरे को पूरा क्षेत्र जानता है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बताने की बात नहीं है, क्षेत्र वाले जानते हैं। जो हमारा रूपरेखा फिलहाल है ना, वो जब आए थे जब यही था और आज भी यही है। तो बाबा जी आप सन्यासी हैं, तो बाबा जी कौन से अखाड़े से, कौन से अखाड़े से? उदासीन अखाड़े से, निर्वाणी, निर्वाणी उदासीन अखाड़े से, उदासीन अखाड़े से निर्वाणी है। तो बाबा जी आप सन्यासी बचपन से ही बन गए? हाँ, थे हम लोग जानपते थे ये जी जी, ये तो नसीब का खेल होता है जी। हाँ हम लोग कोई लड़ाई झगड़े के नहीं है, हम तो खुशहाल के हैं, अपन भारत के कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से जवान अवस्था में ब्याह शादी छोड़कर को चलते तन फनते, बाकी अपन उनमें से नहीं है। जब जाकर के इतना साल ये एक ढंगे पर बिता दिया है, भ्रमण भी किया है भारत के अंदर, ये तो बड़े नसीब का खेल है। अच्छा बाबा जी आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कितने बार करी है? दो बार किया है। दो बार करी है। हाँ बाकी दोनों बार में हमको दर्शन भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, और आज भी उन्हीं की देन है जी जी। 7 साल तो पहले हम नर्मदा जी के बीच में रहे, जो आपने अभी टापू देखा होगा सामने जी जी, वहाँ रहते थे पहले। अच्छा वहीं पे रहते थे, वहीं पे तपस्या करते थे, जल की तपस्या है, अग्नि तपस्या है, यहाँ फिर बाद में योग बनाया। गुरु जी आपकी जटाएं 20 फीट लंबी हैं। हाँ तो गुरु जी ये इतनी लंबी जटाएं कैसे हो जाती हैं? ये भूति से होती है जी जी, भूति चढ़ानी पड़ती है और धोने की तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या से होती है। तपस्या से होती है, कोई बनाने से नहीं बनती है जी। हाँ इसमें कोई दवाई दारू ऐसा कुछ नहीं चलता, सिर्फ इसकी दवाई जो है तपस्या है और भूति है, जंगल में रहना पड़ता है, त्याग बैराग की चीज है। बैराग जंगल में रहता है तो त्याग बैराग से रहा जाता है, ऐसे नहीं रहा जाता। अच्छा गुरु जी जैसे के सभी पुराणों में भी लिखा है और लिखा है कि माँ नर्मदा जी जो है अपने भक्तगणों के जीवन काल में एक बार दर्शन देती हैं, आपको कभी अनुभव हुआ गुरु जी? ऐसा हुआ है जी, ये सब आज उन्हीं की देन है, ये दर्शन हुआ है उनका ही आशीर्वाद है जी गुरु जी। ये हमारा देन नहीं है, उन्हीं का देन है। अच्छा गुरु जी परिक्रमा मार्ग में भी दर्शन होते हैं मैया के? हो जाते हैं, हो जाता है, बाकी उनको समझना पड़ता है, समझने वाला होना। बाबा जी जब भी यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं अपने दुख दर्द लेके, और बाबा जी उन दुख दर्दों को दूर करते हैं बाबा जी अपने आशीर्वाद से, और बाबा जी यहाँ पर 45 साल से चेतन अवस्था में धुना है, डेली हवन पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और 45 साल से जब ये अवस्था में है तो अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। पैंतालीस साल लगातार तपस्या करते करते एक व्यक्ति में एक अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं, वो शक्तियां हम देख भी रहे हैं आप में, और यहाँ के जो भक्तगण हैं जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी सब देखते हैं, वो सब कहते हैं कि काली कमली वाले बाबा जी के दर्शन करने से ही हमारे कई कष्ट दूर हो जाते हैं, और बाबा जी जो भभूति देते हैं और जो ये आपका जो धुना है यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े होके अपनी मनोकामना मांगता है वो भी पूरी हो जाती है, तो बाबा जी ये तपस्या का विषय में थोड़ा सा बताएं ना। तपस्या के विषय में ये है कि भाई तपस्या जो करी जाती है ये मनुष्य गुण के लिए करी जाती है, अपने जो भगत लोग हैं है? अपना क्षेत्र है, अपना देश है, उसके भले के लिए तपस्या करी जाती है, हर मनुष्य के कल्याण के लिए किया जाता है भाई, उनका दुख जलंधर हटेगा, कुछ आराम होगा तो वो अपनी सेवा करेंगे, अपने अपने लिए तो हर मनुष्य करता है, काजकारी कर लो, नौकरी कर लो, बाकी बाबा जी जो है वो पूरे क्षेत्र के लिए करता है, हर जीव के लिए करता है। बहुत से बेटे गलत शब्द भी बोलते हैं, उनको भी सहन करना पड़ता है, बाकी उनको सब कुछ सहन करते हुए
और सामने वाले को फिर भी शांति बनानी पड़ती है जब जाकर तपस्या होती है, अन्यथा तपस्या ऐसे नहीं हो पाती। कहा भी जाता है गुरु जी के जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि है वो समाज के कल्याण के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए तपस्या करते हैं। वही हमने बोला है जी भाई, अपन जो बाबा जी बने हैं मनुष्यतन पाया है, तो आज अपन कुछ अपने भारत के लिए, अपने मनुष्यतन के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ करेंगे तो आगे चल कर परमात्मा शायद उसका फल फिर अपने देगा। बाकी आज अपन करेंगे तभी तो मिलेगा ना जी। बाकी दैनिक योग बनो, बनना बड़ा कठिन है। खाना लेना ये तो एहसान हर व्यक्ति कर लेते, बाकी देना बड़ा कठिन। दिन दुखी को आराम पहुंचाना, उसका दुख हटाना, यह सबके बस की बात नहीं है। और जब तक व्यक्ति अपना तपस्या या किसी प्रकार से उसका तपोबल नहीं बना पाएगा, जब तक वो संकट को दूर नहीं कर सकता। संकट जब ही दूर होगा जब अपने अंदर कुछ दमखम, तो अपन अनपढ़ है, जंगल में रहे, अपने पर लिए तपस्या ही है। गुरु जी आपने जंगल में भी तपस्या करी है? हाँ। तो जंगल में ऐसे कितने साल रहे गुरु जी आप? जंगल में तो हम काफी टाइम रहे, वो तो हम वहाँ थोड़े से समय दाने साल बोल रहे थे वहाँ हरचल में। जी जी, वहाँ 4 बजे शेर आता है सामने, वो हरचल नाम से पर झरना है। वहाँ जो भरतरी राजा ने जो तपस्या करी थी 84 कोस का जंगल है वो जी। उसके बीच में झरना है, वहाँ शेर आता है, तो आमना सामने हमारे दर्शन होते थे शेर के, शेर के शाम को 4 बजे के टाइम। तो ऐसे ऐसे मतलब तपस्या जब भी होती है कि पहले अपने को हथेली के ऊपर अपने प्राण रखने पड़ते हैं। अपने प्राण हथेली पे गए तो समझो कि अपन दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो तपस्या करना बहुत कठिन है, यह सबके बस की बात नहीं है, यह नसीब से होती है। उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसकी तो बहुत ही काम करती है। तो आज परमात्मा ने हमको सुयोग बनाया है तो आज हमारी बहुत ही काम करती है। गुरु जी आपने संन्यास ग्रहण करा, हाँ, तो क्या कारण है गुरु जी इसका? उसका कारण यही होता है कि राम जो था उसके पास तो राजा राज था वो तो, तो वो जंगल में सन्यास बनकर क्यों गया? उनके नसीब में था भक्तों का कल्याण करना, भक्तों का करना, उनके दुख को हरण करना, राक्षसों का अहंकार तोड़ना, इसलिए वो जंगल में गए थे। और वही कर्म बाबा जी का है, जगत हर व्यक्ति का संकट को दूर करना जी, जी। धर्म की मदद करना जी, जी। आज धर्म के ऊपर नहीं, धर्म के ऊपर चलना और धर्म की रक्षा करना, ये बाबा जी का कर्तव्य रहता है। तो राम ने भी वही कर्म किया था, जो कि उसके पास तो कोई कमी नहीं थी, बाकी नहीं उसको भारत का, अपने भक्तों का, संसार का कल्याण करना था, राक्षसों का अहंकार तोड़ना था, उसके लिए सन्यास लेना पड़ा। और सन्यास सिपाही भी त्याग वैराग जो जागता है वो कर्म के अनुसार अंदर अपने अंदर जो चेतना आती है ना कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, तो इसका एक लक्ष्य होता है। गुरु जी माँ नर्मदा जी के तट पर आप तपस्या कर रहे हैं, हाँ, जंगल में भी तपस्या कर सकते थे, लेकिन माँ नर्मदा जी का तट पे ही आपने तपस्या के लिए ये चुना, कैसा लगा? मतलब माँ नर्मदा जी के तट पर अच्छा इसलिए लगता है कि हर पूरे भारत का जो पाकरमा में जो यात्री निकलता है उसके बैठे दर्शन होते हैं, सब प्रकार का मृत्यु आता है और उसकी सेवा करने का अवसर मिल जाता है। बाकी मिलेगा वो सेवा करने तो, बस यहाँ का मातम यही है कि किनारे पर रहने तो जो यात्री आते हैं उनकी सेवा करो तो उसका फल कुछ अलग मिलेगा। गुरु जी आपके यहाँ भी ये आश्रम है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमावासी जो आते हैं वो यहाँ पे ठहरते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, तो गुरु जी सब यहाँ पे व्यवस्था कैसे हो जाती है? ये व्यवस्था सब वही करते हैं जिनके पीछे त्याग बेराग कर रखा है जी, नर्मदा मैया की कृपा है सब, कर्म है अपना जी, आशीर्वाद उनका है जी। गुरु जी हम आज देख रहे हैं आज के समय में लोगों के पास इतना पैसा है, धन दौलत है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी है, परेशान है गुरु जी, परेशान है, परेशान वो कर्मों से है,
उसके कर्म परेशान करते हैं। मनुष्य अपने कर्म से तपस्वी बन जाओ, अपने कर्म से चाहे वो चोर डकैत बन जाओ, उसके कर्म बनाते हैं। और कुछ सोबत का असर रहता है, वो कहा कि अच्छी सोबत बैठ चले चढ़े मंदिर के शीश और जाने देख मिंतर लीलधारा के बीच। तो परेशान क्यों है? कुछ गलत सोबत में बैठते हैं तो वो अच्छे की पकड़ नहीं करते, गलत सोबतों को पकड़ कर लेते हैं, अच्छे को पकड़ नहीं करते, इसलिए वो परेशान है। घर में भी अच्छे मार्ग की बातें नहीं करेंगे, उधर उधर की बातें करेंगे, चुगली नंद्रा की बातें करेंगे तो विरोध हो। ये कहा ना, कर भला हो भला, आज अपन दूसरे का भला करेंगे तो अपना भी होगा। और आज अपन अपने कल्पना हो रही है कि पड़ोसी को लिए अपने को ऐसा करना है तो साथ समा आने पर उसका दंड अपने को मिल सकता है। तो खुद पहले दुख को सहन करते हुए सामने वाले का भला करने का विचार करो, उसके लिए बुरा मत सोचो। गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई अच्छे कर्म करो, अच्छी सोबत करो तो दुख नहीं आएगा, मतलब किसी की आत्मा नहीं दुखाएं, किसी को परेशान नहीं करें। गुरुजी आप यहाँ जो भोजन प्रसादी जो परिक्रमा वासियों को जो करा रहे हैं गुरुजी, हाँ, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, तो ये कितने सालों से ही करा रहे हैं? ये तो जब से हम आए जब से चल रहा है। जब ही से कर रहे हैं, मतलब 45 साल से आप, हाँ, जब से भोजन प्रसादी परिक्रमा वासियों को करा रहे हैं। हाँ, ये जब से चला रहा है, जब से ही श्रीमद भागवत भी चली आ रही है। कभी भागवत होती है, कभी नवदा कुरान होती है, कभी राम कथा होती है, बाकी होती है। गुरु जी जैसे हम भोजन, हाँ, प्रसादी कराते हैं तो, हाँ, भोजन कराना तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, थोड़ा सा आपके विचार जानने, हाँ, जा रहे थे, हाँ, हमारे भक्तगण भी। शास्त्रों में इसके प्रमाण है कि प्यासे को पानी और भूखे को भोजन और नंगे को वस्त्र देना एक बहुत बड़ा परमात्मा के की भेंट, एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। ये सबके बस की बात नहीं। ये गुरुजी का पूजा स्थल है, यहाँ पर गुरुजी पूजन पाठ करते हैं। ये बहुत ही सिद्ध संत हैं, गुरुजी को काली कमली वाले गुरुजी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जिसको गुरुजी जो बोल देते हैं वो सिद्ध हो जाता है, इसलिए इनको सिद्ध संत कहा जाता है। गुरुजी को सन्यासी हैं, बचपन से ही सन्यासी हैं। अच्छा, ये यहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल, माँ नर्मदा जी के तट पर बाबा जी का आश्रम है और ये माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से। दूर दूर तक दर्शन हो रहे हैं भैया के यहाँ से। ये बाबा जी की रसोई है और यहाँ पर जो भी परिक्रमा वासी आते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी तैयार होती है। ये बाबा जी की रसोई है यहाँ पे। आधे हर तो माता जी आप यहाँ सेवा देती हैं कि मतलब गुरुजी की मतलब बेटी हैं? हम ना बेटी जैसे ही हैं, हमारे हम छोटे छोटे थे जब हमारी मम्मी गुजर गई। जी जी। हमारे पापा थोड़े पागल टाइप के थे तो बोला था कि गुरुजी आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, तो फिर हम छोटे छोटे थे जब से हमको गुरुजी ने पाला। गुरुजी ने आपको बच्ची की तरह पाला, बच्ची की तरह पाला है। हर मुसीबत की कुछ लोगों के सुनी भी है कि कैसे बच्चे हैं, कैसे हैं। तो शादी भी गुरुजी ने करी आपकी? जी, हमारी शादी भी गुरुजी ने की। अरे वाह, नर्मदे हर माता, नर्मदे। गुरुजी ने, ये गुरुजी की बच्ची हैं, गुरुजी की मतलब बच्ची की तरह गुरुजी ने इनको पाला है और गुरुजी ने ही इनकी शादी ब्याह करे हैं। जी, हम तीन बहन भाई थे, हमारे गुरुजी ने हमको पाला, गुरुजी ने पाला है सब। और ये माता जी जो भी भक्तगण आते हैं उनको चाय बना पिलाती हैं, चाय बना के बड़े श्रद्धा और प्रेम से। माँ नर्मदा जी की भक्त हैं माता जी, बड़े श्रद्धा और प्रेम से ये चाय बन रही है। सभी भक्तगणों को, जो भी आश्रम में भक्तगण आते हैं गुरुजी उनको सभी को चाय पिलाते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं। जो भोजन प्रसादी के समय आ जाता है उनको भोजन प्रसादी, और जो चाय के समय आ जाता है उनको चाय पिलाते हैं। ये बाबा जी की 20 फीट जटाएं हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखी इतनी बड़ी किसी भी संत की जटाएं बाबा जी की हैं। बाबा जी से हमने पूछा कि ये जटाएं इतनी लंबी कैसे हो जाती हैं, तो बाबा जी कहते हैं ये तपस्या से होती है। हाँ, बहुत ही चढ़ानी पड़ती है, जंगल में रहना पड़ता है, त्याग वैराग करना पड़ता है, तब जाकर के जटा बनती है, जटा ऐसे नहीं बनती।
आश्चर्यजनक, बहुत ही अद्भुत है ये। बाबा जी का लगभग 500-600 साल प्राचीन पीपल का पेड़ है ये, नीचे से सूख रहा है लेकिन ऊपर से हरा है। बाबा जी के दर्शन करने के लिए भक्तगण आते रहते हैं, समय समय पर बाबा जी के पास भक्तगणों की भीड़ लगी रहती है। और परकम्मा वासियों की तो बड़ी विशाल भीड़ रहती है, लेकिन आज हमें परकम्मा वासी नहीं मिले हैं, ये थोड़े कम हो गए हैं। बस मनुष्य तन पाने के लिए यही है कि भाई दूसरे के अच्छे के लिए सोचो, बुरे विचार मत लाओ। बुरा करने वाला करता करता खुद चला जाएगा और कर्म करने वाला कर्म करता रहेगा। बुरा करने वाले कितने चले गए और उनका कोई नाम नहीं, बाकी जिन अच्छे कर्म करे हैं आज उनका नाम रोशन है। वीडियो के माध्यम से हमारे जो दर्शकगण हैं और माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं, देखने को नहीं मिलते हैं, गुप्त संत हैं, गुप्त अवस्था में रह रहे हैं, माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे गुप्त संतों के हमें दर्शन हो जाते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें गुप्त संतों के भी दर्शन हो रहे हैं। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगण और जो भक्तगण हैं वो भी दर्शन कर रहे हैं, वो भी सौभाग्यशाली हैं और हम भी सौभाग्यशाली हैं। वेदों में भी कहा गया है कि संतों की महिमा वेद न जाने, संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जानते हैं। संतों के दर्शन करने से ही हमारे पाप ठहरने लगते हैं, पाप नष्ट होने लगते हैं, इसलिए संतों के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हम संतों के दर्शन हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हम संतों महात्माओं और ऋषि मुनियों के भी दर्शन कराते रहें और आगे भी हम भविष्य में भी दर्शन कराते रहेंगे। आज हमें एक ऐसे ही संत के जो कि गुप्त संत हैं उनके दर्शन हुए, हम सभी धन्य हुए वीडियो के माध्यम से, हमारे भक्तगणों को भी दर्शन हुए वो भी सब धन्य हुए। और गुरुजी आप दंडवत प्रणाम। हाँ, नर्मदे हर।